हाय, आई एम शेफ रवीना और आज हम बनाने वाले हैं स्वीट पोटैटो एंड चॉकलेट ब्राउनीज। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ब्राउनी के अंदर स्वीट पोटैटो, बट ट्रस्ट मी, इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलो साथ में बनाते हैं। एक फूड प्रोसेसर में मैं डालूंगी कोकोनट शुगर, ओट्स का आटा, कोको पाउडर और इसे ब्लेंड करूंगी। जब ये मिक्सचर कंबाइन हो जाएगा तब मैं ऐड करूंगी स्वीट पोटैटो इन बैचेस। सब साथ में नहीं ऐड करना है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके ब्लेंड करके वापस और ऐड करेंगे। लास्टली मैं इसमें डालूंगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। माय स्वीट पोटैटो ब्राउनी बैटर इज नाउ रेडी। इसमें मैं अभी वॉलनट मिक्स करूंगी जो मैंने पहले से ही चॉप किया है। मेरा बैटर तैयार हो चुका है। आई एम नाउ रेडी टू टेक इट इन द ओवन फॉर बेकिंग। एक बेकिंग डिश मैं लाइन कर रही हूँ हल्के से पार्चमेंट पेपर के साथ। इस पे मैं अभी अपना बैटर डालूंगी। जब भी हम वॉलनट्स ऊपर से डालते हैं गार्निश के लिए, हमें इसको फिंगर्स के साथ ब्राउनी के अंदर प्रेस करना है ताकि ये ब्राउनी के साथ बेक हुए रादर देन उसके ऊपर। माय स्वीट पोटैटो चॉकलेट ब्राउनी इज नाउ रेडी फॉर बेकिंग। मेरे स्वीट पोटैटो ब्राउनीज कूल हो चुके हैं। आई एम नाउ रेडी टू कट देम। आप अपने ब्राउनीज को इक्वली स्क्वायर्स में भी काट सकते हैं या कोई भी शेप आपके चॉइस का। मेरे स्वीट पोटैटो और चॉकलेट ब्राउनी तैयार हो चुके हैं एंड आई कांट वेट टू डिग इन। सो यम्मी। स्वीट पोटैटो के वजह से आपको ये ब्राउनी रेसिपी में नेचुरल स्वीटनेस भी आएगा, लेकिन क्योंकि हमने शुगर यानी कोकोनट शुगर भी डाला है तो आपको ये फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये याद रखेंगे कि अगर हेल्थ है तो हम है। प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो।